आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ हम दो चीज़ों से कैसे आइसक्रीम बना सकते हैं। सबसे पहले आपको कढ़ाई में दूध लेनी है, और उसके बाद दूध लेने के बाद आप उसे तब तक चलाते रहें जब तक दूध आधा ना हो जाए। जब तक उसकी मलाई ना जम जाए। उसके बाद आपको जब दूध गर्म हो जाए तो उसके बाद आपको उसमें टेस्ट अनुसार चीनी डाल देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दिया, और उसके बाद आपको अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। जैसे कि मैंने इसमें चीनी डाल दिया और ये दूध में अच्छे से घुल चुकी है, उसके बाद मैं इसे इसमें 5 से 6 इलायची डालूंगी, और इलायची के जो छिलके होते हैं उसे भी डाल देना है, इससे स्वाद बढ़ जाता है। मैंने इसमें इलायची डाल दी है, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप आइसक्रीम जमाने के लिए स्टील के ग्लास भी ले सकते हैं, जैसे मैंने देखा आप छोटे छोटे मैंने ग्लास ले लिए, या फिर आप प्लास्टिक के कप्स भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमें रबर चाहिए, और आप प्लास्टिक लेंगे या फिर सिल्वर पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें प्लास्टिक यूज़ कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी मलाई जम चुकी है, अब हम इसे धीरे धीरे हटाएंगे यहाँ से, और उसके बाद दूध में मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी दूध उबल चुकी है, और ये काफ़ी अब गाढ़ी भी हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसे ठंडा होने के लिए दे दिया है। अब हमारा दूध ठंडा हो चुका है, अब हम इसे ग्लास में डालें। अब मैंने इसे ग्लासेस में डाल दिया, आपको मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक दे दिया है। उसके बाद हमें इसे इसके अंदर डाल देना है। अब हम इसे फ्रीजर में डाल दें।